आज हम मिक्स पकोड़े बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। हमने एक पत्ता गोभी लिया है, दो आलू लिया है, एक आधा फूल गोभी लिया है। अब हम इसके ऊपर से एक छिलका निकाल लेंगे और इसको काट लेंगे अच्छे से बारीक बारीक। अब हम इसको ऐसे ही पतला पतला बारीक बारीक काट लेंगे। पत्ते गोभी को हमने पूरा काट लिया है, अब हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने जो आलू लिया है उसको अब हम ग्रेट कर लेंगे, मोटे वाले ग्रेटर से करेंगे। तो अब हमने आलू को ग्रेट कर लिया है, अब हम पत्ते गोभी से अब हम पत्ते गोभी को पानी से निकाल लेंगे। अब हम जो ग्रेट करके आलू रखे हैं उसको भी इसमें डाल देंगे। अब हम गोभी को पतला पतला काट देंगे। अब हम फूल गोभी को भी पतला पतला काट लिए हैं, इसको भी इसी में डाल देंगे। अब हम इसमें छोटी कटोरी से 1 कटोरी बेसन डालेंगे। ये 4 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से कुरकुरे होते हैं पकौड़े। 4 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम कढ़ाई को गैस पे रखेंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, अब तेल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें पकौड़े को डालेंगे। ये एक तरफ सिक चुका है पकौड़े, तो अब हम इसको पलट लेंगे। पकौड़े को मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाएंगे। तो अब हमारे पकौड़े बन गए हैं, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसी तरह सारे पकौड़ों को और बना लेंगे। अब हमारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हमारे मिक्स पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।